हे गाइस, सैली हियर। और दोस्तों, आज हम देखेंगे कि अपने हेयर्स में वॉल्यूम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो मेरे हेयर्स है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हो चुके हैं, और अगर आप मेरे को पहले से फॉलो करते हो तो मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं जो मेरे हेयर्स है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े थे और मैंने इसको अभी शॉर्ट करवा लिए हैं। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपको अपने हेयर्स में वॉल्यूम कैसे ऐड करना है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं मेरे हेयर्स में बिल्कुल भी वॉल्यूम ऐड नहीं है और हेयर्स अच्छे भी नहीं लग रहे होंगे। तो काफ़ी लोग का जो क्वेश्चन है वो रहता है, और काफ़ी लोग के इस चैनल पे कमेंट भी आए थे कि अपने हेयर्स में वॉल्यूम कैसे ऐड कर सकते हैं, और जितनी वॉल्यूम से रिलेटेड प्रॉब्लम है आपकी वो इस वीडियो में ख़त्म हो जाएगी। और अगर आप अच्छा वॉल्यूम चाहते हैं अपने हेयर्स को देना, तो आप अच्छा वॉल्यूम दे पाएंगे इस वीडियो के थ्रू। तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहें। और काफ़ी लोग की जो प्रॉब्लम वो ये भी होती है कि वो अपने बालों में वॉल्यूम ऐड नहीं कर पाते हैं, उनके जो हेयर्स है वो बीच में से टूट जाते हैं, और फिर जो वॉल्यूम अगर वो थोड़ी देर के लिए खड़े रहते हैं फिर बाद में वो दोबारा से वैसे हो जाते हैं, नीचे गिरने लगते हैं। तो आज मैं आपको पूरा बताऊँगा कि कैसे आपको प्रॉपर वे में अपने हेयर्स में वॉल्यूम ऐड करना है। तो यहाँ पर आप मेरे खुद ही देख सकते हैं बिल्कुल भी वॉल्यूम ऐड नहीं है। तो कैसे करना है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को टैप करें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी और आप मेरी कोई वीडियोस मिस नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है और फ्रेंड नहीं बनाए तो अभी बनाए, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी या फिर आपको इधर उधर डिस्प्ले पर शो हो रही होगी। आप उसको फॉलो करके वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जो भी इस वीडियो में प्रॉब्लम अगर आपको होगी, जो भी कन्फ्यूजन है वो आगे आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, मेरे को डीएम कर सकते हैं, मैं आपके जवाब जोड़ दूंगा। तो बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल भी वॉल्यूम ऐड नहीं है मेरे हेयर्स में, और मैं इसको पूरा वॉल्यूम देने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो इसके लिए हमको जरूरत होगी हेयर ड्रायर की और राउंड ब्रश की और फिर गैट्सबी की वैक्स की, इसकी हमको जरूरत होगी, और इसकी मदद से हम अपने हेयर्स में वॉल्यूम ऐड करेंगे। और मैं कुछ फुटेज आपको दिखाऊंगा, और मैं पहले ही बता दूं कि अगर आप ड्रायर यूज़ करने जा रहे हैं तो उससे पहले आप हीट प्रोटेक्टर जरूर अपने हेयर्स में लगाएं, नहीं तो फिर जो आपके हेयर्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं। हीट प्रोटेक्टर से आपके जो हेयर्स हैं वो हीट से बचेंगे, और फिर उससे आपके जो हेयर्स हैं जितने भी आप हीट लगाएंगे उससे आपके जो हेयर्स हैं वो डैमेज नहीं होंगे, वो काफ़ी ज़्यादा बचे रहेंगे। तो इन तीनों चीज़ का हम यूज़ करने वाले हैं इस वीडियो में वॉल्यूम ऐड करने के लिए। तो आपको जल्दी से ये सब चीज़ें ले लेनी है अपने पास भी, और तभी आपके जो हेयर्स में वॉल्यूम है वो ऐड होगा। तो अब हम जल्दी से ऐड करते हैं अपने हेयर्स में वॉल्यूम। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे बालों में वॉल्यूम है वो अच्छी तरह से ऐड हो चुका है। तो अभी भी जो मेरे हेयर्स है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, आप खुद भी देख सकते हैं इतने बड़े जो मेरे हेयर्स हैं वो हैं, और फिर भी इसमें जो वॉल्यूम है वो काफ़ी अच्छा खासा ऐड हो चुका है। और अगर आपके जो हेयर्स है वो ऐसे हैं और इससे थोड़े से छोटे हैं तो आपका जो वॉल्यूम है वो भी काफ़ी अच्छा आएगा, अगर आप जो मेथड है आप ये यूज़ करते हैं। तो अगर आपको अपने हेयर्स में वॉल्यूम चाहिए ऐसे, तो आपको यही प्रोसेस यूज़ करना होगा। और इससे पहले जब आप ड्रायर यूज़ करें तो उससे पहले आपको हीट प्रोटेक्टर लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो जो आपके हेयर्स है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो सकते हैं। अगर आपके पास हीट प्रोटेक्टर नहीं है तो उस कंडीशन में आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाला पतंजलि का मैंने भी ये यूज़ किया है, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको ड्रायर यूज़ करने से पहले ये यूज़ करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर जो आपके हेयर्स है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो सकते हैं। और फिर जैसे आप इसे जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करेंगे फिर जो आपके हेयर में वॉल्यूम काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, और आप खुद भी देख सकते हैं जो मेरे हेयर्स में वॉल्यूम काफ़ी अच्छा खासा आ चुका है।
और इसमें आपको क्या करना है कि अगर आप अपने जो हेयर्स हैं वो अगर इस साइड से सेट करते हैं तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा अपने जो हेयर्स है उसको स्टैंड करना है। और जब भी आप अपने वॉल्यूम देना चाहते हैं अपने हेयर्स में, तो जैसे अगर आप इस साइड से अगर अपने हेयर्स को स्टैंड करते हैं तो फिर आपको अपोजिट साइड करना है। जब आप बाद में करने जा रहे हैं तो फिर आपको इस साइड से अपोजिट से करना पड़ेगा, जिससे कि आपके जो हेयर है उसमें वॉल्यूम काफ़ी जल्दी ऐड होगा और वो काफ़ी ज़्यादा ऐड होगा। और मैंने अभी अपोजिट साइड में ऐड किया है और आप देख सकते हैं जो वॉल्यूम है वो काफ़ी अच्छा खासा मिल चुका है। और आपको भी ऐसी वॉल्यूम ऐड करना है, तो ऐसे आपको पता चल गया होगा कि कैसे आपको वॉल्यूम ऐड करना है अपने हेयर्स में। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें कुछ ऐसी वीडियोस के लिए, और साथ में बेल के आइकन को टैप करें जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सब्सक्राइब मिल जाएगी और आप मेरी कोई वीडियोस मिस नहीं कर पाएंगे। और अगर आप मुझको मतलब इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी या फिर आपको डिस्प्ले पर शो हो रही होगी। आप मुझे फॉलो करके वहाँ पर कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। तो बस मिलेंगे ऐसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।